सेठानी जी, आप ही ऐसे ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? तू यहाँ क्या कर रही है? इतना कुछ हो गया, तुझे चैन नहीं पड़ा जो तू यहाँ आई है? तुम सब मेरी प्रभात की जान के दुश्मन बने हुए हो। से क्यों कह रही हैं आप सेठानी जी? आप तो जानती है ना, आप सबसे ज्यादा यहाँ तक कि अपने बापू से ज्यादा छोटे सेठ का ख्याल रखा है मैंने। यहाँ तक कि मेरा लगाव उनकी शादी के बाद भी कम नहीं हुआ। इसलिए तो उन्हें बचाने के लिए हर मुश्किल मैंने मुंह मोड़ दिया, और आज भी मैं सिर्फ उनके लिए आपके पास आई हूँ। तो ही बता कलिका, क्या मेरा प्रमाद कभी किसी का खून कर सकता है? नहीं, आप इधर आइए, बैठिए सेठानी जी। छोटे सेठ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो गुस्सा करते हैं, नशा करते हैं, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकते। ये बहू रानी है ना, उसने अपना और सरस का पाप छुपाने के लिए ये सब इल्जाम लगाया हमारे छोटे सेठ पे, बस, और कुछ भी नहीं। आना, अब तो ही बता कलिका, मैं क्या करूं? अपने प्रमाद को कैसे बचाऊं मैं? बता। माँ अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। बड़े सेठ के लिए एक फोन घुमाना छोटी सी बात है। एक फोन और छोटे सेठ आपके पास, अपने घर में, सब कुछ आपके हाथ में। सेठानी जी, आपको कैसे भी करके बड़े सेठ को मनाना होगा। कुमुद के सासरे आई थी तब मैंने ही तुझसे जाने के लिए कहा था। मैं ही तुझसे कहती हूँ बेटा, रुक जा। मुझे आज भी आपकी बात टालनी पड़ेगी, माफ कर दीजिए मुझे। मेरे लिए ना सही, कुमुद के लिए। उसी के लिए तो जा रहा, वहीं मैं उसके साथ था तो लोगों ने उसे अग्नि परीक्षा देने को कहा। जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा कोई ना कोई सवाल उठते रहेंगे उस पर। और तुम्हारा क्या? मैंने कुमुद से वादा किया था कि जिस दिन वो सुरक्षित हो जाएगी मैं उसी दिन उसकी जिंदगी से चला जाऊंगा। और वो दिन आ गया। तेरी पसंद के आलू की सब्जी बनाई है, खा लेना। जा रहे दीदी, क्या सोच रही हो दीदी? जाओ उसे रोक लो। किस हक से? जाने का फैसला उसने किया मुझसे पूछे बिना। Thank you.
है कुमारी, ठीक है, मेल करते रहना। रुक जाओ सरस, तुम्हारी आंखें अब भी दीदी को ही ढूंढ रही है। उसे आखिरी बार देखने के लिए सौभाग्य देवी जी, आप चाहती क्या है? मैं डीएसपी साहब को फोन करके ये कहूं कि मेरी बहू ने मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत की है, उसकी हत्या करने की कोशिश की है उसने, फिर भी आप सारी बातों को नजरअंदाज करके उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो मेरा बेटा है। नहीं नहीं, आप उन्हें ये कहिए कि अपना सच छुपाने के लिए बहू ने झूठा इल्जाम लगाया हमारे बेटे पे। सच क्या है, झूठ क्या है, ये कानून तय करेगा, ना आप ना मैं। तो आप अपने बेटे को कानून की मर्जी पर छोड़ देंगे? तो क्या 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 चाहती है? कानून हाथ में ले लो, ये मत भूलिए सौभाग्य देवी जी, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, एक राजनेता हूं। जितनी ताकत है उतनी जिम्मेदारी भी है मुझ पर समाज के प्रति। पर मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती प्रभात के बापू। पहले सोचना चाहिए था सौभाग्य देवी जी, जब आप उसे मुझसे बचाती रहे, उसकी हर गलती मुझसे छुपाती रहे। आ गया ना वो दिन, आज बाप होते हुए मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बेटे के लिए न सही पर मेरे लिए अफसोस जरूर होगा आपको। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मेरा प्रमाद घर वापस लौट नहीं आता। आओ कुमुद्दीकरा, आओ। बाबू, मैंने एक फैसला लिया है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूं। आप बोलते दिन भाई साहब। जय श्री कृष्ण। कैसे फोन किया? मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। विद्या चतुर भाई, जरा फोन को स्पीकर पे रखेंगे? वो फोन स्पीकर पे रखने के लिए कह रहे हैं। देखिए, मैं नहीं जानता कुमुद आपसे बात करना चाहती या नहीं। मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। कुमोद, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने बिना पक्षपात किए हुए हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तो मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से कुछ बात कर सकता हूँ? जी बाबूजी। मैं जानता हूँ बेटा, प्रमाद ने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। मैं क्या, मेरी जगह तुम्हारे बाबूजी भी होते तो प्रमाद को माफ नहीं करते। विद्या चतुर भाई, मुझे इल्म ही नहीं था कि प्रभात अपनी कमजोरी में इस हद तक नीचे गिर सकता है। लेकिन कुमुद तो मेरी बेटी है। सच कह रहा हूं मैं, कुमुद के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है ये सिर्फ मैं जानता हूं। बाबूजी, मां कैसी? तुम जानती हो ना बेटा, उन्हें प्रभात के परे कुछ दिखाई नहीं देता। जब तक प्रमाद जेल से वापस नहीं आता तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। मैं प्रमाद को माफ करने के लिए नहीं कह रहा। तुम सौभाग्य देवी जी को माँ जी कहते हो ना? अब तुम ही बताओ, बेटे ने जो गलती की है उसकी सजा माँ को क्यों मिले? तुमने प्रमाद के खिलाफ जो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है, माँ जी के लिए बेटा, मेरे लिए उस शिकायत को वापस ले लो। ये नहीं हो सकता, प्रमाद ने कुमुद की जान लेने की कोशिश की है।
मैं उससे शिकायत वापस लेने नहीं दूंगा। कुमुद बेटा, जब से तुम मेरे घर बहुत कर आई थी, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया। मैं आज तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बेटा, मेरा प्रमाण मुझे वापस कर दो। समधन जी, हमारी बेटी के तो कितने आंसू बहे होंगे, पर आपके बेटे को तो जरा भी दया नहीं आई उसमें। फिर आप हमसे ऐसी उम्मीद कैसे रख सकती हैं? दुर्गा जी, मेरी बात सुनिए, मैं प्रमाद के लिए माफी नहीं मांग रहा हूँ। आप लोग हमारी तरफ देखते हुए हमारे बेटे को ठीक। क्या करी कुमुद? तो मैं शिकायत वापस लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं कुमुद, कमजोर मत पड़ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। पर मेरी एक शर्त। हाँ हाँ बोलो बेटा। मुझे प्रमाद से जल्द तलाक चाहिए।